चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम में हमें क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, क्या ढूंढना है? तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढना है और दूसरा बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन समझना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, और यहाँ पे ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद द जीरो ऑफ अल्फा माइनस है और बीटा माइनस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट बहुत सिंपल तरीके से करना है, हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, ये हमने पहला स्टेप लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे सेवन हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो वन हो जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? सेवन। क्लियर है? बेसिक पॉइंट जो हमें पता है। आप बोलोगे प्रोडक्ट भी हमें सर पता है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे? कॉन्स्टेंट टर्म जो हमारे में क्या है? टेन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा है वन, तो हो जाएगा आंसर जी यहाँ पे टेन। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चा? तो आप बोलोगे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल गया। अब जो पॉलीनोमियल हमें ढूंढना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसके हमने अल्फा एंड बीटा दो जीरो दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, तो सबसे पहले लिखना क्या पड़ेगा कि यहां पर लिखना पड़ेगा सम एंड एस एंड पी। एस एंड पी डिनोट रिस्पेक्टिवली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अल्फा माइनस एंड बीटा माइनस हमारे जीरो है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सम ढूंढना। सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा माइनस, आप बोलोगे बीटा माइनस। तो इतना होने के बाद बच्चा अब हम क्या करेंगे? तो माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बच्चा बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस वन जो था वो तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे सेवन लिखा, तो आंसर कितना आ जाएगा? सेवन। क्लियर है? ये क्या मिला बच्चा? सम ऑफ जीरो। तो अब बोलोगे सर अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना शुरू करते हैं, तो प्रोडक्ट मतलब पी, तो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा माइनस, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा है टेन। अब ये भी हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो आप लिखोगे रिक्वायर पॉलीनोमियल इज, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स इंटू पी, एक्स स्क्वायर एस इट एस की जगह क्या लिखोगे बच्चा? माइनस सेवन और यहाँ पे एक्स प्लस टेन। सॉल्व करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? प्लस सेवन एक्स प्लस टेन। ये सब में खाली आपको लॉजिक ये अप्लाई करना था अल्फा प्लस बीटा वाला, बाकी सिंपल लॉजिक है। तो बच्चा ये था सिंपल सम, क्लियर कर लो, नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।